जो आपका पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा, ये जो है कहानी विधा में लिखा गया है। शुरू में क्वेश्चन दे देते हैं कि पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो आप यहाँ ऊपर लिख लो ये चैप्टर जो है किस विधा में, कहानी विधा में लिखा गया है। अब इसके अंदर बताया क्या गया है, इसमें प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है कि पशुओं के अंदर भी भावनाएं होती हैं और किसान जो है अपने पशुओं से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि खेती का काम बिना पशुओं के संभव नहीं है, तो किसान और पशु के बीच में एक आत्मीय संबंध बना रहता है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि इस चैप्टर के माध्यम से कि स्वतंत्रता जो है आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम ये मान के बैठ जाएं कि नहीं हो जाएंगे आजाद, तो हमें अपने अधिकारों के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। चैप्टर में जो करैक्टर दिए गए हैं वो एक तरह से आपकी जो आजादी थी, जो आंदोलन 1947 में चला था, उसकी कहीं ना कहीं भूमिका निभाते हैं। जो दो बैल दिए गए हैं, हीरा और मोती, दो बैलों की कथा, और दूसरा जो है उनका जो मालिक है झुरी, उनके जो है संबंधों को दर्शाया गया है। तो जो हीरा और मोती है वो यहाँ पर जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनकी भूमिका निभा रहे। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो पाठ के अंदर करैक्टर दिए गए हैं वो किसकी भूमिका निभाते, किस प्रकार वो 1947 की आजादी से जुड़े हुए हैं। जो कौंजी हाउस है जहाँ पर पशुओं को कैद किया गया है वो एक जेल की भूमिका निभाता। कौंजी हाउस किसकी भूमिका निभा रहा है, जेल की। दोनों हीरा और मोती किसकी भूमिका निभा रहे हैं, क्रांतिकारियों की। जो यहाँ पर झुरी है उनका मालिक है वो किसकी भूमिका निभा रहा है, एक सच्चे देशभक्त की। जो उसका साला गया है वो गया जो है अंग्रेजों की भूमिका निभा रहा है। और दोनों बैल जो है पूरे चैप्टर के अंदर संघर्ष करते आपको दिखाई देंगे और किस तरह से वो जो है आखिर में अपने अधिकारों को, अपनी आजादी को प्राप्त करते हैं, इस चैप्टर में दिखाया गया। उसी तरह से भारतीयों ने भी वो संघर्ष के बाद जो है अपनी आजादी को प्राप्त किया था।